चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ना हम आपको गद्दार कहते हैं, ना हम आप पर फतवे लगाते हैं, लेकिन हमारी रेड लाइन हमारी आका की जात है। हमें अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने वालिदैन से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपने खून के एक एक कतरे से बढ़कर हमें अपने आका से प्यार है। अगर किसी ने हमारे आका की खत्मे नबूवत के बारे में बात की, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कादियानी हो या जो कोई भी हो। अगर हमारे आका की नमूस के बारे में बात करेगा, आका के अहले बैत, आका के असहाब, आका के अजवाज के बारे में बात करेगा, तो हमें आका की वो हदीस याद आती है कि मन सब नबीन फख्तुल। काजी साहब, हम तो आपको मुसलमान समझते हैं, आपने मेरे आका का नबी का कलमा पढ़ा हुआ है, क्या आपने नबी की जो गद्दारी कर रहे हैं, जो खत्मे नबूवत पर ढाके डाल रहे हैं, आप उनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं? यार पाकिस्तान का कानून है, आप इस्लाम को छोड़ दें। 295, 298 बी को देख लें, 298 सी को देख लें, जिसमें कहा गया है कि कादियानी मुल्क पाकिस्तान में कोई भी दीनदार सरकार नहीं बना सकते, नहीं वो अजान दे सकते हैं, फिर आप उनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मर्जी वो करते फिरें। खुदा की इज्जत की कसम, अगर किसी ने हमारे आका की जात में जरा सी भी बात की, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें आका की हदीसें मुबारक याद है कि जिसने अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी औलाद से, अपनी जान से, क्या अपनी हर चीज से बढ़कर अपने आका से प्यार न किया तो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं होता।